हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे सिरिंज की, जो हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली एक मेडिकल डिवाइस है उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिरिंज होती क्या है। मैं बताता हूँ, यह एक मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज फ्लूड मतलब तरल पदार्थ को इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है या बॉडी से फ्लूड को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ सिरिंज, सिरिंज के हैव मैनी टाइप्स दिखा देता हूँ। ल्यूलॉक सिरिंज, कैथेटर टिप्स और इंसुलिन, ये सिरिंज है पूरी। इसको मैं खोल लेता हूँ इस तरीके से मैंने इसको खोल लिया है। ये है पूरी सिरिंज। शुरू बात करते हैं इसके सुपरफिशियल पार्ट से। इसका कैप है जो निडल से इंजरी होने से बचाता है। कैप ये है ल्यूमेन, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। साइड में मैंने पिक भी लगा कर रखी है। ल्यूमेन कटा हुआ भाग, जिसको बेवल, जिसको गेज बोलते हैं। ये इसका हिल्ट हब है जो एडाप्टर से शाफ्ट को जोड़ता है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। इसको ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। इसको कवर करके रख देता हूँ क्योंकि ये इंजरी होने का खतरा रहता है। इसको मैंने कवर करके रख दिया है, है ना, कैप लगा दिया मैंने इसका। सिरिंज है पूरा ये, इसका एडाप्टर रहता है और ये पूरे को हम बैरल बोलते हैं। बैरल के ऊपर आपको कुछ मार्क्स लगे हुए देखेंगे। इसको स्केल बोलते हैं, जिसमें सैंपल की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। फिर उसके और अंदर चलते हैं। ये है प्लंजर सील, ये रबड़ की बनी हुई होती है और ये पूरा प्लंजर रहता है और ये प्लंजर टॉप रहती है, जिससे हम इसको पकड़कर बाहर की ओर खींचते हैं और अंदर की ओर प्रेस करते हैं, है ना। इनके फंक्शन बता देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है पूरा सिरिंज। ये इसका प्लंजर है। प्लंजर क्या करता है, फ्लूइड को इस तरीके से एस्पिरेट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लंजर, है ना। फिर उसके अंदर ये जो है रबड़ सील या प्लंजर सील, ये रबड़ का बना हुआ होता है। ये बैरल के अंदर वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करता है और सैंपल फ्लूइड को एस्पिरेट और इंसर्ट करने में फुल मदद करता है। यह है बैरल। बैरल में सैंपल स्टोर रहता है। अब जैसे सैंपल स्टोर हो जाता है, सैंपल स्टोरेज होने के बाद पता तो रहना चाहिए कि इसमें कितनी मात्रा में सैंपल स्टोरेज हुआ है। तो इसमें स्केल है, इसको मार्किंग है, इससे पता चल जाता है कितनी क्वांटिटी में हमको सैंपल लेना है। तो इससे इसका मेजरमेंट हो जाता है स्केल से। ये निडल का एडाप्टर है और ये सिरिंज का एडाप्टर है, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये कंप्लीट सिरिंज बन जाती है। ये इसका निडल का, ये जो है निडल का एडाप्टर है, है ना। और ये आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, ये इसको हिल्ट हब बोलते हैं, जो सॉफ्ट को निडल के एडाप्टर से जोड़ता है और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है सॉफ्ट को, है ना। फिर ये आपको कटा हुआ भाग दिख रहा होगा फर्स्ट में, और ये नुकीला भाग है जिसको हम बेवल बोलते हैं और कटे हुए को ल्यूमेन बोलते हैं। नोट कर लेना इसको, है ना। ये ल्यूमेन, इसका गेज अलग अलग साइज का होता है, जैसे 12 गेज, 14, 16, 18, 20, 24, 28 एट्सेट्रा, है ना। जब ल्यूमेन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट्स में या मसल्स या बैन में, जैसे सैंपल अगर हमको लेना है बॉडी से, तो इसका ल्यूमेन का साइड अपर साइड की ओर होना चाहिए। और बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की ड्रग सुई या किसी प्रकार की इंजेक्शन हुआ, जब हम इसका साइड जो है नीचे की साइड, ल्यूमेन जो रहता है नीचे की साइड रहता है, और प्लंजर को प्रेस करते हैं, जो ड्रग्स है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से सिरिंज कंप्लीट हुई।
इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो भी डाउट है बेझिझक आप मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।